नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने सोमवार को इटली के बोर्गो फिनोसिएटो में शादी कर ली। इसकी जानकारी दोनों ने खुद ट्वीट कर दी। दोनों की शादी की चर्चा कई दिनों से मीडिया में चल रही थी। शादी के इस मौके हम आपको एक ऐसी पाकिस्तानी सिंगर से मिलवाने जा रहे हैं जो दिखने में एकदम अनुष्का शर्मा की तरह थी। पाकिस्तान में रहने के बावजूद नाजिया अक्सर मुंबई आया करती थी। नाजिया को सिर्फ 15 साल की उम्र में फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। छोटी सी उम्र में शोहरत के शिखर पर पहुंची इस पाकिस्तानी पॉप सिंगर की 35 साल की उम्र में कैंसर से डेथ हो गई थी। 1980 में आई फिल्म कुर्बानी का गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो आपको याद ही होगा, यह गाना पाकिस्तानी सिंगर रही नाजिया हसन ने गाया था। अनुष्का शर्मा की तरह दिखने वाली इस सिंगर ने महज 15 साल की उम्र में इस सुपरहिट सॉन्ग के लिए फिल्मफेयर अवार्ड जीता था। पेशे से सिंगर, लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट रही नाजिया की लाइफ में कई उतार चढ़ाव रहे। 30 की उम्र में उन्हें कैंसर का पता चला और इसके 5 साल बाद उनका निधन हो गया था। 30 साल की उम्र 30 मार्च 1995 में नाजिया ने बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बैग से कराची में निकाह किया था। निकाह से पहले वे कैंसर से पीड़ित थी। शादी के 2 साल बाद 1997 में उनके बेटे अर्ज हसन का जन्म हुआ। बीमारी के चलते 13 अगस्त 2000 को उनका लंदन में निधन हुआ था। मौत से ठीक 10 दिन पहले उन्होंने पति से तलाक लिया था। बॉलीवुड डायरेक्टर फिरोज खान ने नाजिया को लंदन में काम करने वाले हिंदुस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर बिंदु से मिलाया, जिसने अपनी फिल्म कुर्बानी 1980 में उन्हें गाने का मौका दिया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए नाजिया का वो गाना है जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था। 15 साल की उम्र में उन्होंने इस गाने को आवाज दी थी। इसी पॉपुलर ट्रैक के बदौलत वे सबसे कम उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी बनी। नाजिया का यह रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। कुर्बानी के अलावा नाजिया ने भाई जोहेब के साथ 1982 में आई फिल्म स्टार के सभी गाने गाए थे। महज 10 साल की उम्र में नाजिया ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला एल्बम डिस्को दीवाने 1981 में रिलीज हुआ।